بسم الله الرحمن الرحيم इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम पहले इमाम थे कि जो बचपन में ही मनसबे इमामत पर फाइज हुए थे। इसी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम के मुनाजरे बहुत ज्यादा शोहरत के हामिल हैं। इन मुनाजरों की दो वजूहात थीं। पहली वजह यह थी कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम चूंकि कम सिन थे तो इनकी इमामत तमाम शियों के लिए साबित न हुई थी, अगरचे बुजुर्गान शियायान आपकी इमामत में किसी किस्म की शक व तर्दीद का शिकार न थे। दूसरी तरफ मकतब मोतजिला का असर व रसूख इस जमाने में बहुत ज्यादा था और उनकी अबहास की हर जगह रौनक थी। हुकूमत वक्त भी मोतजिला की हिमायत करती थी और मोतजिला के अफराद हुकूमत में नफूज रखते थे, लिहाजा वो अपने मकतब मोतजिला को मजबूत करने और दूसरे मकातब व मजाहिब को कमज़ोर करने में लगे रहते थे। मोतजिला का मानना यह था कि हर चीज़ को सिर्फ अक्ल पर परखा और तोला जाए, हत्ता शरीयत मुकद्दसा को भी अक्ल महदूद और जाहिरी पर परखा जाता था, बस अक्ल जिसको कबूल करे उसको कबूल करते थे, बाकी दीन का इनकार कर देते थे। बस इनकी अक्ल ये तस्लीम ना करती थी कि एक कम सिन किस तरह मनसब इमामत पर फायज हो सकता है। बस ये लोग इमाम अलैहिस्सलाम के सामने पेचीदा सवाल पेश करते थे ताकि इमामत को माअज़ल्लाह शिकस्त दे सकें। इस मुनाजरे का पसे मंजर कुछ इस तरह से है कि जब मामून तूस से बगदाद आया तो उसने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को मदीना खत लिखा और बगदाद आने की दावत दी। ये दावत भी जाहिरी थी व इल्ला दूसरे आइम्मा की तरह इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को भी जबरन बगदाद लाया गया था। जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बगदाद तशरीफ लाए तो मामून ने आप अलैहिस्सलाम को दरबार में दावत दी और अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मामून अपनी बेटी उम्मे फजल की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। इमाम ने इस पेशकश के सामने सकूत इख्तियार फरमाया और मामून ने इस सकूत को रजामंदी शुमार किया और सबको हुक्म दिया कि इज्दवाज की तैयारियाँ अमल में लाई जाएं और जश्न का इनेकाद किया जाए। ये खबर जब फैली तो मामून के इस फैसले के खिलाफ बनु अब्बास ने इकट्ठ किया और मिलकर मामून के पास गए और कहा कि ये कैसा फैसला है जो तूने किया है। अभी अभी तो अली रजा अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है और बनु अब्बास का इक्तदार मजबूत हुआ है, तू फिर चाहता है कि खिलाफत को बनु अब्बास से लेकर आले अली के हवाले कर दे, हम ये नहीं होने देंगे। और आखिर में उन्होंने ये एतराज किया कि ये कम सिन है और आलिम नहीं है। मामून ने कहा ठीक है, तुम अपना एक दानिशमंद और आलिम ले आओ, वो इससे इल्मी मुनाजरा करेगा। अब्बासियों ने उस वक्त का मशहूर तरीन आलिम और दानिशमंद याह्या बिन अक्सम को इंतखाब किया। याह्या बिन अक्सम एक मशहूर आलिम दीन था, उसकी इल्मी शोहरत का हर जगह पर तस्किरा होता था। ये शख्स कई उलूम में मुकम्मल महारत रखता था।
यही वजह थी कि मामून ने मुमलिकत के कई बड़े बड़े ओहदे इसके हवाले किए हुए थे। और बस मजलिस तय पा गई। जब सब आ गए तो यहया ने मामून की तरफ मुंह किया और कहा, क्या इजाज़त है मैं सवाल करूं? तो मामून ने जवाब दिया, खुद इन्हीं से इजाज़त ले लो। याह्या बिन अक्सम ने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चीज़ चाहो पूछ लो। याह्या ने सवाल किया कि ये बताएं, एक शख्स जिसने एहराम बांधा हुआ है और इसी हाल में किसी हैवान का शिकार किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आया उस शख्स ने हिल यानी हरम से बाहर शिकार किया है या हरम में? क्या वो शख्स हालत एहराम में शिकार के मसले को जानता था या नहीं? आया वो शख्स आज़ाद था या ग़ुलाम था? बड़ा था या छोटा था? पहली दफ़ा हालत एहराम में शिकार किया है या पहले भी कर चुका है? जिस चीज़ का शिकार किया है वो परिंदा था या कोई और चीज़? छोटे हैवानात में से था या बड़े हैवानात में? अपने इस काम पर शर्मिंदा है या नहीं है? दिन में शिकार किया है या रात में? उम्रे के अहराम में था या हज के? जब याह्या इब्ने अक्सम ने इमाम अलैहिस्सलाम की जबानी एक मसले की इतनी फरुआत सुनी तो हैरान हो गया और बेचारगी के आसार इसके चेहरे से जाहिर होने लगे और जबान में लुकनत तारी हो गई। फिर मामून ने अब्बासियों की तरफ निगाह की और कहा कि जिस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे थे तुमने अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने हर एक के अलग अलग जवाब दिए। उसके बाद मामून ने अर्ज की, ऐ अबू जाफर, अब आप याह्या इब्ने अक्सम से सवाल करें। इसके बाद इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने याह्या से फरमाया कि मैं सवाल पूछूं, तो याह्या ने अर्ज की, आप पर कुर्बान जाऊं, आप पूछें, अगर जवाब दे दिया तो ठीक, वरना आपसे जवाब दरियाफ्त करूंगा। इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे बताओ, एक शख्स नमाज सुबह के वक्त एक औरत की तरफ निगाह करता है तो वो इस पर हराम है, लेकिन जैसे ही दिन हो जाता है वो औरत इस पर हलाल हो जाती है। फिर जब जोहर होती है तो दोबारा इस पर हराम हो जाती है और जब वक्त असर होता है तो दोबारा इस पर हलाल हो जाती है। फिर जैसे ही सूरज गुरूब होता है वो इस पर हराम हो जाती है और जब वक्त इशा होता है तो वो इस पर हलाल हो जाती है। फिर जब आधी रात हो जाती है वो इस पर हराम हो जाती है और जब तुलुए फजर होती है तो इस पर हलाल हो जाती है। ये कैसी औरत है और किस चीज के साथ हलाल हराम हो रही है? याह्या ने अर्ज की, खुदा की कसम मैं इसको नहीं जानता, आप मेहरबानी फरमाकर जवाब अता फरमाएं। इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये औरत किसी की कनीज थी, जब कोई गैर मर्द इस पर निगाह करता है तो वो उस वक्त हराम थी, बस जब दिन होता है तो वो गैर मर्द इस कनीज को इसके मालिक से खरीद लेता है तो वो उस वक्त उस पर हलाल हो जाती है। बस जब जोर होती है तो वो इस कनीज को आज़ाद कर देता है तो वो इस पर हराम हो जाती है और जब असर होती है तो वो इस आज़ाद औरत से निकाह कर लेता है तो वो इस पर हलाल हो जाती है। पस जब वक्त गुरूब होता है तो वो इसको जिहार करता है
तो वो औरत इस पर हराम हो जाती है, और जब इशा होती है तो वो जिहार का कफारा दे देता है तो वो इस पर हलाल हो जाती है। जब आधी रात होती है तो वो इसको तलाक दे देता है तो वो इस पर हराम हो जाती है, और जब तुलुए फज्र होती है तो वो इससे रुजू कर लेता है तो वो इस पर हलाल हो जाती है। इस मुनाजरे का पसे मंजर कुछ इस तरह से है कि काजी बगदाद इब्ने अबी दाऊद के जो जुरकान का करीबी दोस्त था, जुरकान कहता है कि एक दिन इब्ने अबी दाऊद मेरे पास आया और परेशानी और गम की हालत में कहने लगा कि ऐ काश मैं 20 साल पहले मर गया होता। जुरकान ने पूछा कि क्यों ऐसा कह रहे हो, तो उसने कहा कि हुआ कुछ यूं है, एक दिन एक शख्स खलीफे मोतसिम के दरबार में आया और उसने एतराफ किया कि मैंने चोरी की है, और खलीफे मोतसिम से चाहा कि इस पर हद जारी करें। खलीफा ने सब फुकहा को बुलाया और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बुलाया और हम सब से पूछा कि इसके हाथ कहाँ से काटे जाएं। मैंने कहा इसके हाथ कलाई से काटे जाएं। खलीफा ने कहा कि दलील क्या है, तो इसने कहा आयत तयम्मुम में हाथ से मुराद कलाई तक हैं। वहां मौजूद कुछ लोगों ने मेरे साथ मुआफकत की कि हाँ इस चोर के हाथ कलाई तक काटे जाएं, लेकिन दूसरे गिरोह ने कहा कि हाथ से मुराद कलाई तक नहीं बल्कि कोहनी तक हैं, बस इसके हाथ कोहनी तक काटे जाएं। मोतसिम ने कहा कि दलील क्या है, तो इन्होंने आयत वुजू पढ़ी कि वहां हाथ से मुराद कोहनी तक हैं। उसके बाद मोतसिम ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निगाह की और पूछा कि आपकी नजर क्या है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब न दिया तो मोतसिम ने इसरार किया और आपको कसम दी कि आप जवाब दें। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब तूने मुझे कसम दी है तो सुन, ये सब गलत कह रहे हैं, क्योंकि चोर की सिर्फ उंगलियां काटी जाएं और बाकी हाथ छोड़ दिया जाए। मोतसिम ने कहा कि आपके पास इसकी दलील क्या है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सजदा 7 आज़ा की वजह से दुरुस्त होता है, दोनों हाथों के तलवे, पीशानी, दो जानू और दोनों पाँव के अंगूठे, और अगर इसके हाथ कलाई या कोहनी तक काट दिए जाएं तो वो कैसे सजदा बजा लाएगा। और कुरान में भी अल्लाह का इरशाद है, अज़ाए सजदा अल्लाह के लिए हैं, पस जो अल्लाह के लिए है उसको काटा नहीं जा सकता। पस मोतसिम ने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब को पसंद किया और हुक्म दिया कि इसकी फकत उंगलियां काटी जाएं। उसी वक्त हम सब शर्मसार हुए और मैंने मरने की आरजू की। बस यही मुनाजरा सबब बना कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाकिया हुई। इस मुनाजरे के बाद यही इब्ने अबी दाऊद मोतसिम के पास गया और कहा कि आपने इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले पर अमल किया है, जबकि आधे मुसलमान इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफे बरहक और तुझे गासिब समझते हैं, और ये मुनाजरा सब तक पहुंच गया है और शियों के नज़दीक ये पक्की दलील बनी है कि इनके इमाम जवाद हक पर हैं। पस मोतसिम के जो पहले ही से इमाम का दुश्मन था इस बात से भड़क उठा और इमाम को जहर दिलवा दिया, और इसी वजह से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाकिया हो गई।
السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات